चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर्स को कैसे रिकॉर्ड करना होता है। इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर जो है बता दिया है, उसके वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है, हम इसमें किस टाइप की एंट्री करते हैं? जब भी हमें बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हों या बैंक से पैसे विड्रॉ करने हों या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने हों, यानी कि देखा जाए तीन पॉइंट्स में हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। पहला पॉइंट क्या, जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कैश आ रखा है, अब हम उसे बैंक में जमा करना है, तो कैश की तो हमने एंट्री दिखा दी, कैश इतना है। अब हम कैश अपने पास नहीं रख रहे हैं, हम बैंक में डाल रहे हैं, तो टैली में तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, हमें पैसे ख़त्म हो गए कैश, हमें कैश की रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तो हम बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेंगे। अब चाहे चेक से विड्रॉ करें या किसी भी अदर मीडियम से विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ की जो भी एंट्री होगी वो किस में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। अब हमने एक पार्टी को किसी बैंक का चेक दे दिया, मान लीजिए हमारे दो बैंक अकाउंट है, एक SBI में है, एक ICICI में है, राइट। हमारा SBI में फंड कम है, ICICI में फंड ज़्यादा है। अब हमने किसी पार्टी को SBI का चेक दे दिया, उसमें पैसे ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ICICI का फंड SBI में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रियल में तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, अब यहाँ पर हम टैली में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, कॉन्ट्रा में होगी। तो तीन पॉइंट्स में कॉन्ट्रा की एंट्री होगी, ध्यान रखना कौन कौन सी, जब आप विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, क्लियर। जैसे पेमेंट का था, जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करते थे तो पेमेंट वाउचर करते थे, जब रिसीव लेते थे, पैसे लेते थे तो रिसीव वाउचर में करते, क्लियर है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एंड आप लोग के पास तीन एग्जाम्पल यहाँ पे है ही हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, कैश विड्रॉ फ्रॉम UTI बैंक 400 रुपीज़ ऑन 10th में चेक नंबर सो एंड सो फेवरिंग सुशील हु इज एन अकाउंटेंट। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, UTI बैंक से ना 400 रुपीज़ जो है पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा आप लोग, जब भी हम पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं, ठीक है, आप ऐसे याद रखना, जहाँ जो चीज़ बढ़ती है वो डेबिट होता है, जो घटती है वो क्रेडिट होता है। अब हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो कैश हमारे पास बढ़ रहा है, यानी कैश हमारे पास एड ऑन हो रहा है, तो कैश क्या होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होगा। बैंक से पैसे घट रहे हैं, हमने निकाल लिए तो बैंक घट रहा है, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, समझ आया। अगर हम सेम उसी का रिवर्स करते हैं, हमने बैंक में जमा किया तो अब क्या हो जाएगा, जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक के पास पैसे बढ़ रहे हैं, बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारे पास से घट रहे हैं तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो जो चीज़ बढ़ रही है उसको डेबिट करना, जो चीज़ घट रही है उसको क्रेडिट करना, तो आपको समझना ईजी रहेगा, एंट्री में मिस्टेक नहीं होगी। चलिए समझते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, अपनी कंपनी को ओपन करना है, तो हमने यहाँ से अपनी कंपनी ओपन कर ली है, बैच है हमारा 10, ओके। एंड फाइनेंशियल भी यहाँ से चेक करना, आपका जो फाइनेंशियल अभी चल रहा है वो अप्रैल 23 टू मार्च 2024 है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ना पीछे का फाइनेंशियल आ जाता है, तो उस केस में क्या हो, जब आप एंट्री करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको ये फाइनेंशियल भी ध्यान रखना है, राइट। अब आपने आना है यहाँ पे वाउचर्स के अंदर, यानी कि शॉर्टकट की है वी, वी प्रेस करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा वाउचर है, पेमेंट, बट हमें करना क्या है, कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा की शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे, F4, दिस वन। तो आपने क्या करना है, वहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं या फिर F4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रा आ गया है। डेट की भी हैबिट बनानी है, मान लीजिए कि मैं 2 अगस्त को जो है विड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, F2 डेट के लिए होता है, F2 प्रेस करना, 2/8/2023 हमने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ पे क्रेडिट मांग रहा है, ठीक है, पहले इसमें क्रेडिट मांग रहा है, तो एग्जांपल क्या है हमारा, फर्स्ट कैश विड्रॉ फ्रॉम UTI बैंक, तो UTI बैंक तो अभी है नहीं, हम इसके कोई दूसरा बैंक लेते हैं, सपोज हम चलो अभी यही बना लो, बिकॉज हमने क्वेश्चन में यही डाल रखा है तो कन्फ्यूजन ना हो, ओके। अब क्रेडिट मांग रहा है इसमें, तो क्रेडिट में क्या होना चाहिए, UTI बैंक होना चाहिए, कैश होना चाहिए, बट डू यू थिंक क्या हो सकता है, विड्रॉ कर रहे हैं यानी कि कैश हमारे पास बढ़ रहा है, कैश तो डेबिट होगा, बैंक UTI बैंक जो है वो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट में क्या डालेंगे, UTI बैंक। तो आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे UTI बैंक, अंडर क्या जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं आपके पास, डाल दीजिए, नहीं है तो स्केप भी कर सकते हैं, IFSC कोड UTI 01 समथिंग, ठीक है। स्विफ्ट कोड है तो डाल दीजिए, बैंक नेम, ब्रांच, द्वारका, ठीक है, ये सब बैंक कन्फिगेशन वगैरह फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ, कहाँ पे है ये, द्वारका सेक्टर 4 में है, ठीक है, डन, बन गया है। कितना हम निकाल रहे हैं, 400 रुपीज़, ठीक है, तो 400 रुपीज़ आपने यहाँ पे डालना है, और चेक अब हम किसे निकालना है, चेक से निकालना है, तो ट्रांजेक्शन टाइप चेक आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, और चेक रेंज हमने डाले हैं, चेक इंस्टेंट नंबर डाल सकते हैं, चेक नंबर क्या है, 159870, ठीक है, ये आप डाल देंगे,
डेट डाल दें किस डेट को आप वो है, 2 अगस्त को ही कर रहे हैं। एंड आप यहाँ डेबिट मांग रहे हैं, तो डेबिट में आपने क्या करना है, यहाँ से कैश लेना है, तो कैश बढ़ रहा है हमारे पास। अब एक चीज़ आप वो समझ लीजिए, कई बार हो सकता है कि आप जब टैली इंस्टॉल करो तो कई सारे फीचर्स में ऑफ होते हैं, जैसे अभी तो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट आ रहा है, बट हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर टू एंड बाय आए, ठीक है, तो हम उसको ठीक कर, जैसे नॉर्मल हम जो सिंगल एंट्री करते हैं वहाँ टू बाय आता है, बट डबल एंट्री में डेबिट क्रेडिट सिस्टम होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, नोट डाउन इट, F12 करना है आपने, ठीक है। F12 होता है कन्फिग्रेशन, ओके। F12 क्या होता है, कन्फिग्रेशन का मतलब होता है जिस भी हम फीचर के अंदर हैं या जिस ऑप्शन के अंदर हैं उसी का एडिशनल फंक्शन इनेबल करना हो, ऑफ करना हो, वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है यूज़ क्रेडिट CRDR इंस्टेड टू बाय। अभी ऐसा अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो पता है क्या होगा, वहाँ पे DR CR नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, टू बाय आ गया, ठीक है। तो हो सकता है जैसे आपके में इशू आ रहा था, आपके लैपटॉप में टू बाय आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको यस कर देंगे जिससे कि वो डेबिट क्रेडिट आ जाए, यानी टू बाय की जगह पे CRDR आ जाए, ठीक है। हाँ सेम ही होता है वैसे तो, या लेकिन ज़्यादा भी लोग ये मेंटेन करते हैं, सो डेट्स वाई कंट्रोल ए कर देंगे तो यहाँ डेबिट क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ लिख देंगे कैश विड्रॉ फ्रॉम UTI, ठीक है, बैंक डाल दो और नाम डालना है, जैसे सुशील है जो इसने रिसीव किया है वो डाल सकते हैं, और डन, इस तरीके से करना है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखिए 12,000, हाँ 12,000 डिपॉजिट इनटू UTI बैंक। अब हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं UTI बैंक में, और 16,000 डिपॉजिट इनटू BOB बैंक नेक्स्ट डे, तो हम इसको सेम एक डेट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब बैंक के पास पैसे बढ़ रहे हैं, तो बैंक जो क्रेडिट हो जाएगा और कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक डेबिट हो जाएगा, हाँ बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो डेट सेम है, अब हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट में बैंक हमें बनाना है एक तो UTI, अभी हमने निकाले थे वापस डिपॉजिट कर देते हैं, तो अब हमने 12,000 जो है वो डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। चेक नंबर है मेंशन, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर दोबारा यहाँ पे हम CR लिखना है, CR क्रेडिट यानी कि, अब यहाँ पे दूसरा बैंक ले लो, कौन सा है, BOB, तो BOB यहाँ पे बना हुआ है, यस बना हुआ है, तो कितना लेना है, 16,000, यहाँ पे 16,000 डाल दोगे, ठीक है, इसमें भी चेक नंबर नहीं है तो मैं स्किप कर रहा। अब डेबिट में ले लेंगे, कैश हमने डिपॉजिट करा है तो कैश आ गया, अपने आप वो दोनों का कैलकुलेशन ले लेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा होंगे बैंक में, आपने जैसे कुछ पैसे यहाँ कुछ पैसे वहाँ अलग अलग ट्रांसफर करने, तो ऐसे दिखा देना है, उसके बाद यहाँ नेशन डाल देंगे, कैश डिपॉजिट, सिंपल, ठीक है, तो क्लियर। अब मान लीजिए हमने हमने क्या करना है, हमें कुछ पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज हम क्या करते हैं, हमारे पास UTI BOB में 16,000 है, UTI में 12 है, तो अब हमने क्या किया, 5,000 जो है ना BOB से UTI में हमने ट्रांसफर कर दिया, 5,000 रुपये हमने क्या किया, 5,000 BOB से UTI में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हो रहा है, किसके पास बढ़ रहा है, BOB के पास या UTI के पास, BOB से UTI में डाला है ना, तो UTI में बढ़ रहा है, तो UTI क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और BOB क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, समझ में आया, जब आप बैंक से बैंक ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्रेडिट मांग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे घट रहे हैं BOB से, तो आपने लेना है BOB और 5,000 हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, और किस में हम कर रहे हैं, डेबिट हो जाएगा UTI, तो यानी UTI में पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दिस वन UTI डेबिट, लेकिन अभी भी UTI में पैसा हमारा माइनस में है ना, तो हम एक काम करते हैं, UTI में और ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है, अमाउंट कम है क्योंकि BOB में हमारा 44,000 है, एक काम करते हैं बैक आते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं 20,000 हम डिपॉजिट करते हैं, तो अब वो प्लस में हो जाएगा, रेड था ना अब प्लस हो गया, रेड था ब्लैक हो गया, यानी प्लस में वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम 20,000 जो है BOB से UTI, और यहाँ पे पहले ज़्यादा था तो 29 कम हो गया यहाँ पे, क्लियर। एंटर एंटर एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए कर दो, नरेशन डाल दो, फंड ट्रांसफर क्या लिखेंगे, BOB टू UTI, BOB टू UTI बैंक, क्लियर। तो इस तरीके से आपको जब विड्रॉ करना हो, डिपॉजिट करना हो या फंड ट्रांसफर करना हो एक बैंक टू अनदर बैंक, तो वो आपने कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करना है। सो आई होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब आपने इसके सभी की प्रैक्टिस करनी है, बाकी नेक्स्ट वाउचर हम नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है।